नमस्कार, प्रथम खबर सहित अपूर्व। प्रथमे हेडलाइंस। प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन क्षेत्र में बड़ संस्कार। आज विजयादशमी में सातटी प्रतिरक्षा संस्थार उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया हेबो उद्घाटन। आज विजयादशमी, महिषासुर को बद्ध करिबे मां दुर्गा। जगजननी आगमन में गांठू सहर सबुठ उत्सव माहौल। शक्तिपीठ से पारंपरिक नीति से चली पूजा अर्चना। सेबे भक्तों भिड़ दृष्टि श्रीमंदिर बंद रही दर्शन व्यवस्था। पार्वण में भिजिब अधा ओडिशा और लघुचाप प्रभाव में आज उपकूल आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा संभावना। वज्रपात नहीं 19 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग केन्द्र। दशहरा छुट्टी परे खोलिब अष्टम और एकादश श्रेणी। अष्टम और एकादश श्रेणीर पाठपढ़ा ऑफलाइन कराजिबो। राज्य स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षर सूचना। सनशाइन पब्लिक स्कूल प्रिंसिपाल निखोज। संदेह घेरें स्कूल मालिक गोविंद साहू। गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर खास लोक हेले गोविंद। पुलिस अवहेला नहीं अभियोग आणिले परिवार लोके। गृहराष्ट्रमंत्री लोक बोली चुप की कलाहांडी पुलिस। एवं किए जितिब आईपीएल 2021। आज हाई वोल्टेज फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को भेटिब कोलकाता नाइट राइडर्स। तीन थरर विजेता महेंद्र सिंह धोनी दल सह कोलकाता नाइट राइडर्स हेबो टक्कर। आज विजयादशमी में सात प्रतिरक्षा संस्थार उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खोदित सातटी प्रतिरक्षा संस्थार उद्घाटन कार्यक्रम रही। यह देशर प्रतिरक्षा क्षेत्र में बड़ संस्कार हेबो जहां प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन क्षेत्र में सहायक हेबो। पूर्वर 41 ऑर्डिनेंस कारखाना को नियंत्रित करुवा ओएफबी को सातटी सरकारी मालिकाना संस्था विभक्त करा गुड़ी विस्फोरक जानवाहन अस्त्रशस्त्र जंत्रपाति आदि आनुषंगिक उत्पाद उत्पादन कर। शारदीय दुर्गा पूजा पर उत्सव मुखर पुरपल्ली। आज विजयादशमी में पारंपरिक रीतिनीति से चली पूजार्चना। माँ सबुठी हो स्वतंत्र व्यवस्था। आज हूँ पवित्र विजयादशमी। असत्य उपरे सत्य और पाप उपरे पुण्यर विजय स्वरूप हूँ विजयादशमी। आज महिषासुर को बद्ध करिबे माँ दुर्गा। माँ जगजननी आगमन में गांठू सहर सबुठ उत्सव माहौल। पारंपरिक रीतनीति अनुजाई चली माँ पूजार्चना। पूजा मंडप में श्रद्धालु को दर्शन देउछंती माँ। राजधानी भुवनेश्वर सत्यनगर पूजा मंडप अच्छा आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती अच्छा सीधासलख नहीं चलु अधिक सूचना पर। स्वप्नांजलि, आज हूँ दशहरा पवित्र विजयादशमी, यह अवसर में आप जो पूजा मंडप अच्छा सेठे क्यों क्यों रीतिनीति आधार सब पूजा चली पूजा केत बाटे पहुँचला वर्तमान सुधा? निहाती भाव अपूर्व, आज हूँ पवित्र दशहरा। आम मध्यम आम समस्त अगणित दर्शक मानक पवित्र दशहरा शुभेच्छा जनइबी। आम आसी पहुँचीचु आज सत्यनगर पूजा मंडप। सीधासल चित्र देखी माँ जो पूजा मंडप 42 वर्ष धरी माँ पूजा पाँच ये माँ सुंदर मंडप बेत एवं जो गुटा रही नहीं माँ मंडप सजा जाइएतु कोविड कटक रही तेणु माँ ये पूरा चित्र सका आम दर्शक देखुं। आम मध्यम आज हूँ पवित्र दशहरा जहाँ कह जाए पाप उपरे पुण्यर चादर घोड़ाती माँ एवं असत्य उपरे सत्यर जय करती जो जयगाथा नहीं कि माँ धरावतरण करती ता रही दशहरार जहाँ रही वर्णनीय। आम पुराण गाथा अच्छी जे महिषासुर को बद्ध करने माँ योद्धाभिमुखी होते पूरा संपूर्ण चित्र जहाँ पुराण वर्णित अच्छी आम दर्शक मान पाखे निहाती पहुँचाइबू जो भाई भाव में आज हूँ दशहरा तेणु माँ अपराजिता फूल दि जाए माँ पाखे जहाँ प्रथा रही अपराजिता फूल
कूलरे माँ विदाय नियंती आज घट विसर्जन कराए कहीं जो घट स्थापना होता है षष्ठी टू दशमी जाए से घट विभिन्न प्रकार नदी विभिन्न प्रकार तीर्थस्थान गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु यह जगार आसी था घट स्थापन होता है तापर जो दशमीर प्रक्रिया रही आज विभिन्न मंडप विभिन्न प्रकार भोग लगी कराए महिषा मर्दिनी जे दुर्गति नासिनी माँ को ये दुर्गा रूप जिते सामना को आसे से महिषासुर को बद्ध करती ये पूरा प्रक्रिया रही जेहेतु माँ धरावतरण करती वर्ष को थे माँ को ये रूप देखापी समस्त श्रद्धा पहुँचती कितु जेहेतु कोविड गाइडलाइन रही कोविड कटक रही से घरे रही समस्ते माँ को दर्शन करेंगे ये दुर्लभ बेश माँ को थे देखापी मिलता है माँ जेहेतु नवरात्रि भिन्न भिन्न बेश श्रद्धा भेटापी भक्त मनरे जगह बजाय रखापी धरावतरण करती ये निविड़ परंपरा केवल हिंदू धर्म केवल ओडिया परंपरा देखापी मिलता है अनेक धर्मावलंबी लोक मैंने माँ को भक्ति करती माँ को पूजा करती कहीं माँ को से महिमा अपरूप कहीं माँ जिते आसती से पाप उपरे पुण्यर चादर बिछाती बोली जहाँ आम प्रथा रही जहाँ आम विश्वास रही सीधा साल प्रतिक्रिया नवा आम सहित पूजक अच्छा मंडप्र जिकि दीर्घ 22 वर्ष धरी माँ को पूजा करुछंती कथा हाँ सहित सर कौन कहे जे कोभली भाव में माँ को आज विशेष पूजा रही कहीं आज हूँ दशमी मु पूर्णचंद्र त्रिपाठी शर्मा मु मंडपर 42 वर्षर पुरोधा माँ को स्वतंत्र विधि हूँ आज सका सका माँ को अपराजिता सी पराजित न होवापाई जो पूजा करते अपराजिता पूजा बोली कह जाए महिषासुर को बद्ध करने समस्त विधान समस्त अस्त्र शस्त्र धरी से यंत्र को पूजा करी सी बाहर आज विजयर सूचना रही आगे विजया दशमी बोली नामकरण कर समस्त राम रावण को मरवापी विजया दशमी से ही कार्य संपादन करते कोविड लाइन को आम आखि आगे रखी कहीं मंडप को न आसी यूट्यूब मध्यम से सब घरे बसिक उपलब्धि करश सान्निध्य लाभ करेवी प्रपन्नार्ती हरे प्रसिद प्रसिद मातु जगत खिलस्य प्रसिद विश्वेश्वरी पाही विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य किंतु आमर ये स्वतंत्र भाव में 108 केजी गोटे लड़ू हुए कोविड नियम को पालन कर बंद कर साधारण भाव में जीक पूजा आराधना करिया से कथा आम कर तमाम कोविड गाइडलाइन भितर विधि अनुसार रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना राजधानी भुवनेश्वर सत्यनगर पूजा मंडपुर एने अधिक सूचना देउथिले प्रतिनिधि स्वप्नांजलि सबडे पुरी श्रीमंदिर दशहरा नहीं रही स्वतंत्र विधि आज विजया दशमी में सुनावेश राजा राजेश्वर बेश सज्जित हे महाप्रभु श्रीमंदिर में महाप्रभु अवकाश नीति शेष हो चंदन लागि नीति करा जिवो यहाँ नुआ लुगा 32 मूर्ति स्वर्ण अलंकार लागि हुई महाप्रभु सुनावेश अनुष्ठित हेबो महाप्रभु चलंती प्रतिमा मदन मोहन श्रीराम श्रीकृष्ण वीरवेश धारण करी श्री जगन्नाथ बल्लभ मठस्थित महाखला बा दशहरा पदा को विजय करिवे सेबडे श्रीमंदिर प्रशासन निष्पत्ति मुताबक भक्तों भिड़ को दृष्टि रखि श्रीमंदिर में सर्वसाधारण दर्शन बंद रही दशहरा को फिका करि पारे वर्षा बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप प्रभाव में आज उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशार किसी स्थान में बर्षार संभावना रही है एथस वज्रपात वर्षा नहीं 19 जिला को येलो वार्निंग जारी करणिपाग विभाग तेज आसंता का लघुचापर प्रभाव सर्वाधिक रही आकलन करणिपाग विभाग कविता स्वईं आम प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचनापी कविता वर्षा को नहीं कौन पूर्वानुमान करणिपाग विभाग हाँ देखो अपूर्व जी कह गत पूर्व केन्द्र बंगोपसगर और तार आखपाख अंचल सृष्टि होगी गोटे लघुचाप जहाँ वर्तमान केन्द्र बंगोपसगर उत्तर अंचल सक्रिय रही है यह गोटे घूर्णिमय जड़ित रही जहाँ समुद्र पतन ठार 5.8 किलोमीटर जाए सक्रिय रही आसंता 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने दक्षिण ओडिशा और आंध्र उपकूल में पहुंचार जहाँ सूचना देखिए पाणीपाग विभाग यह जो लघुचाप सृष्टि
प्रभाव ओडिशा उपरे देखिबाक मिलिब 16 तारीख आड़क जहाँकि ओडिशार 19 जिला को बिजुली घड़घड़ी एवं घड़घड़ी सह बर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना जारी कर 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कर गत काली जमी 19 जिला को उपकूल एवं आभ्यंतरण जिला को येलो वार्निंग जारी कर आज से उपकूल ओडिशार किसी जिला हालुकर मध्यम धरणर वर्षा और आभ्यंतरण ओडिशार किसी जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होगा नहीं सतर्क करणिपाग विभाग यहाँ सह गोटे जो आसूला बात्यार प्रश्न उठूला बात्या हे कि नहीं ये लघुचाप बात्यार रूप ने ना यदि रूप ने क्यों लैंडफल कर जो प्रश्न उठूला तार यही प्रश्न ब्रेक लगी आम कहीपर कहीं काली आई एम डी डीसी स्पष्ट कर जो लघुचाप सृष्टि होत्यार रूप नेब ना केवल लघुचाप हे वर्षा परिमाण बढ़ा बढ़ी जहाँ कह जी कह कि मत्स्यजीवी मान जो मानी समुद्र बर्तमान बारण कर समुद्रजीव मना ओके बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वाई हम प्रतिनिधि अपडेट देते जे लघुचाप प्रभाव में आज और आसंता काली उपकूल ओडिशा तत्सहित आभ्यंतरीण ओडिशा रे किछिटा जिला रे वर्षार प्रभाव रहिबो 19टा जिला पई एथि पई 19टी जिला प्रति येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किए कहे हिंदू मौलवादी संगठन तो किए कहे मुस्लिम विरोधी केतेबेले पुनी गांधीजी हत्या अभियोग लगाई दिया जाए प्रतिबंधक किंतु सबू बाधा विघ्न को अतिक्रम कर भारत को परम वैभवशाली करिवार संकल्प नहीं आग को बढ़ी चले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 96 वर्ष तले आज रही पवित्र विजयादशमी तिथि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगरवार संघ रूपी जो बीज रोपण करते आज ता महाद्रुम परिणत हो सारी विश्वर सबुठ बड़ राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन पलटि आरएसएस भारत को विश्वगुरु बनइबार निज लक्ष्य पथरे आगे चली संघर प्रतिष्ठा दिवस अवसर चलतु देखा एक स्पेशल रिपोर्ट भारतर स्वाधीनता पाई जातीय कांग्रेस नेतृत्व में देशव्यापी चली था आंदोलन समस्त लक्ष्य थाए केमिति इंग्रेज शासन कबल देश को मुक्त करिबा कांग्रेस संगठन रे आगधाड़ी रही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी स्वाधीनता संग्राम रे झास देथांती किंतु भारत काहेकि बारंबार पराधीनतार शिकार होई से प्रश्न तांक मन को आंदोलित करे इंग्रेज कबल मुक्त हेले भारत जे पुणी पराधीन न हेबो एक कथा तांकु चिंता रे पकाए भारतर मूल अधिवासी हिंदू को भितरे एकतार अभाव जोगु देश बारंबार गोलामीर शिकार हो आसी एक अनुभव करती डॉक्टर हेडगेवार आठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गठनर प्रक्रिया आरंभ हुए तेबे एक नुआ विचार सह संगठन छिड़ा करिबा एते सहज नथिला डॉक्टर हेडगेवार उग्र जातिवाद भितर विभाजित हिंदू समाज को एकाठी करिबा बड़ कष्टकर व्यापार थिला शेषे डॉक्टर जी को उद्यम महाराष्ट्रर नागपुर सहर रे 27 सेप्टेम्बर 1925 विजयादशमी तिथि जन्म नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतवर्षर पुत्र रूप समाज हिंदू समाज से संगठित होगा दरकार ता भितर राष्ट्रभक्तिर भावना आसवा दरकार ता भितर स्वाभिमान भावना निर्माण होगा दरकार से स्वाभिमान आधार में स्वावलंबी होकर भारतवर्ष ठिया हो ए दृष्टिकोण रु भारतर पुत्र रूप समाज जे हिंदू समाज रही संगठित करिया पड़ यही उद्देश्य को आखि आगे रखी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1925 मसीहा विजयादशमी से वर्ष सेप्टेम्बर 27 तारीख में पड़ता तो विजयादशमी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरंभ कले हाथ गणती छोट छोट पिला और युवकों को नहीं 96 वर्ष तले आरंभ होता संगठन आज महाद्रुम परिणत हो सारी देशर गाँ गाँ में पहुंची पारी संघर विचारधारा शाखा मध्यम शाखा होउछी संघर मुख्य आधार प्रतिदिन सकाळे और संध्या रे शाखा लगे पिलाठारु बुढ़ा जाए प्रत्येक वयस वर्गर लोके सामिल हुंती शाखा से कहुए स्वयंसेवक स्वयंसेवक मानंक पाई स्वतंत्र पोशाक रही गणवेश कहुए एठारे व्यायाम सूर्य नमस्कार और खेलकूद सह
स्वयंसेवक मानंकु देशभक्तिर शिक्षा ओ विभिन्न गठनमूलक संस्कार दिया जाए। देशर सांप्रतिक परिस्थिति ओ महापुरुष मानंकर जीवनी संपर्क रे एठारे चर्चा हुए। अन्य संगठन परी संघरे व्यक्ति पूजा करा जाएनि। एठारे गैरिक ध्वज को गुरु भाव ग्रहण करी तार वंदना करा जाए। एबे देश विदेश विभिन्न स्थान रे 60,000 रु अधिक शाखा प्रतिदिन लागुछि। गैरिक पताका ही एकमात्र गुरु हो पार जहाँ समस्ते स्वीकार करें कारण कौन व्यक्ति को गुरु कले जड़े व्यक्ति को गुरु कले आज जन आज जन मानि नपे तेणु संघरे कौन व्यक्ति को गुरु करगला ना कारण संघ कौन व्यक्तिवादी अनुष्ठान नुह संघ हूँ गोटे तत्ववादी आंदोलन गोटे तत्व को आधार कर चलती गोटे विचार को आधार कर चलती तेणु गैरिक पता गोटे विचार केवल शाखा भितर सीमित नुहे संघर कार्य समाज जाति प्रथार विभेद दूर कर सामाजिक समानता प्रतिष्ठा करने दिगरे संघ लगातार कार्य करा दैवी दुर्विपाक समय विपन्न को सहायता संघर स्वयंसेवक माने सरकारी कल ठार आगे पहुंची उद्धार कार्य लगि जाती। भारत पाकिस्तान युद्ध हो भारत चीन युद्ध संघर भूमिका सबुब प्रशंसनीय रही आसी जो गांधी ठारु पंडित नेहरू जाए संघर नीति और कार्य को प्रशंसा भी कर संघर एक कार्यक्रम सबु जातिर लोक एकाठी भोजन करुवर देखि खुद गांधीजी संघर प्रशंसा करतेपरी 1962 में भारत चीन युद्ध बेले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघर भूमिकार एत प्रभावित होते 1963 गणतंत्र दिवस परेड में सामिल होगा संघ को आमंत्रण कर खास कथा यह जे नेहरू 24 तारीख रे एने घोषणा कले और मात्र दुई दिन भितर 3,000 रु अधिक स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश लाल किला रे उपस्थित हो जाएपरी ओडिशा रे 1999 महावात्या बेले विपन्न को सेवा और उद्धार कार्य सारा देश में प्रशंसा साउंटी संघ ध्वस्त विध्वस्त एरसमा अंचल शव और गाईगोर मढ़ पोड़ा तथा तो रिलीफ काम कर स्वयंसेवक माने सृष्टि करिथिले बड़ा उदाहरण। से समय जो समस्त युद्ध को चली गले तो दिल्लीर ट्राफिक को कंट्रोल करवा ये सबुठ गोटे बहुत बड़ काम थिला तेणु दिल्ली ट्राफिक को संपूर्ण रूपे संघर स्वयंसेवक माने नियंत्रण करुथिले एवं युद्ध क्षेत्र में जवान मानक सहायता प्रदान करवा सेमानक पाखरे विभिन्न सामग्री नहीं पहुँचवा जदि किसी खबर अच्छी शत्रुपक्षर ताकू आड़ी पुणी जवान मान पाखे सेनाबाहिनी पाखे पहुँचवा ए दृष्टिकोण रु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर स्वयंसेवक माने देश हूँ मोर तेणु ये देश सबकि दरकार तो ये कार्य करणु नेहरू जे कि संघ को पसंद भी करून गोटे प्रकार कि सीए बाध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर कार्य को प्रशंसा करने से दृष्टिकोण से गणतंत्र दिवस परेड रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डाकी केवल शाखा को आसुवा स्वयंसेवक संघर विचार सह जोड़ी होना समाज प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न विचार संगठन मध्यम संघर कार्य चली जपरिक राष्ट्र सेविका समिति सेवा भारती विद्या भारती स्वदेशी जागरण मंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदू स्वयंसेवक संघ भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ आदि आरएसएस विचार आधार रे निज निज क्षेत्र रे कार्य करुछन्ते। विविध क्षेत्र गुड़िक ए हिंदुत्व विचारधारा आधार रे सब गढ़ी संघर स्वयंसेवक माने समाज जीवन प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करिकिरी ए विविध क्षेत्र गुड़िक सृष्टि कले एवं तारी आधार रे भारत वर्षर सामाजिक व्यवस्थार परिवर्तन हबो तेणु जो सामाजिक व्यवस्थार परिवर्तन हबो हेतु भारत वर्षर उत्थान हबो भारत वर्ष गोटे परमशाली राष्ट्रे परिणत हबो। सरसंघ चालक संघर सर्वोच्च दिशा निर्देशक मार्गदर्शन में संघ कार्य परिचालित हुए। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार होती आरएसएस प्रतिष्ठाता एवं प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर जी देहांत पर 1940 रे श्री गुरुजी भावे परिचित माधव राव सदाशिव राव गोलवालकर होते द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी पर मधुकर दत्तात्रेय देवरस बाला साहेब देवरस को संघर सरसंघ चालक दायित्व मिलता बाबरी ढांचार विध्वंस बेले बाला साहेब देवरस सरसंघ चालक थिले।
ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଫେସର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଯିଏକି ରଜୁ ଭୟା ନାଁରେ ପରିଚିତ, ସେ ହୋଇଥିଲେ ସଂଘର ଚତୁର୍ଥ ସରସଂଘ ଚାଳକ। 2000 ମସିହାରେ କୁପହଲ୍ଲୀ ସୀତାରମୟା ସୁଦର୍ଶନ ସଂଘର ସରସଂଘ ଚାଳକ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ରାଓ ଭାଗବତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସଂଘର କାମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସଂଘକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଗଠନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ବରଂ ସଂଘ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାର ସହ ଯୋଡ଼ି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗତ 96 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କନ୍ୟା ପୂଜନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ପାଦ ଧୋଇବା ସହ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ ଭୋଜନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା। କନ୍ୟା ପୂଜନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ପାଦ ଧୋଇବା ସହ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ ଭୋଜନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୋରଖ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନବନିର୍ମିତ ଅର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଭବନରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପରମ୍ପରା ସହିତ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ନ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନ କନ୍ୟା ଏବଂ ବଟୁକ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଭୋଜନ କରାଇ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଭୋଜନ କରାଇ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଶକ୍ତି ଆରାଧନା ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ନବରାତ୍ରର ନବମ ଦିନରେ କନ୍ୟା ପୂଜନର ବିଧାନ ରହିଛି। ବିଜୟ କି ଇସ୍ ପାବନ ପର୍ବକୁ ପୁରୀ ଭାରତବାସୀ ଉସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ କେ ସାଥ ଆୟୋଜିତ କରେଙ୍ଗେ। ମୈ ଇସ୍ ଅବସର ପର ବିଜୟାଦଶମୀ କି ଭି ହୃଦୟ ସେ ମଙ୍ଗଲମୟ କାମନାଏ ସଭି ପ୍ରଦେଶବାସୀଙ୍କ କି ପ୍ରତି କରତା ହୁଁ। ମୁଝେ ବିଶ୍ୱାସ ହେ କି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଓ ବିଜୟାଦଶମୀ କା ଏ ପର୍ବ ପୁରେ ପ୍ରଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମ କେ ପଥ ପର ଚଲନେ କି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେଗା। କନ୍ୟା ପୂଜନ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କନ୍ୟାମାନେ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ନ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଥାଳରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଟିକା ଲଗାଇ ଚୁନରେ ଓଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ପରେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମ କା ବାପତ ଜୋ ହମେ ହମାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରିତ କରତା ହେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରତା ହେ, ଉସ ପଦ କା ଅନୁସରଣ ହର ପ୍ରଦେଶବାସୀ କରେଗା। ଇସ ବିଶ୍ୱାସ କେ ସାଥ ପୁରେ ପ୍ରଦେଶବାସୀଙ୍କ କେ ପ୍ରତି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଓ ବିଜୟାଦଶମୀ କି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବଧାଇ ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରି ପଚାରି ଥାଳିରେ ନିଜ ହାତରେ ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗେଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ ଟକ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢ଼େଇ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତିନିଥର ବିଜେତା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଦୁଇଥରର ଚମ୍ପିଅନ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ କୋଲକାତା ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ଆଇପିଏଲ୍ର ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଏଲିମିନେଟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦୁଇଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା କୋଲକାତା କେବେ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇନି। 2012ରେ କୋଲକାତା ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କିଏ ଜିତିବ ଆଇପିଏଲ୍ 2021 ତାହା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।